हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिरोज मंसूरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने वॉलपेपर को बिना चेंज किए ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपको अपने वॉलपेपर को आप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वॉलपेपर लवर है और अगर आप चाहते हैं कि हमारा वॉलपेपर हमेशा डिफरेंट दिखे, हमेशा अलग दिखे, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आपको अपने वॉलपेपर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक चेंज होगा, ऑटोमेटिक कलर चेंज होंगे और ऑटोमेटिक आपकी पूरी स्क्रीन का वॉलपेपर जो है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूँ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है टैपेट, TAPET। कुछ अजीब सा नाम है, पर हमको क्या लेना देना है, इसके माँ बाप ने रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला आपको ऐप दिख रहा है टैपेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप इसके लोगों को अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको 1 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और 4.5 की इसकी रेटिंग है। मैं इस ऐप को पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आपको ये ऐप प्ले स्टोर में ढूंढने से नहीं मिलता है तो इस ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस लिंक को फॉलो करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद में ये आपकी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा और ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन पर ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसमें एक राउंड बॉल बना हुआ है और उसके बीच में एक चेक मार्क का निशान है, जो आपने डाउनलोड करते टाइम लोगो देखा था उस लोगो में और इस लोगो में बहुत डिफरेंट है। बट आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ऐसा दिखने लग जाएगा। तो चलिए अब ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनने हमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। तो पहला तो इसमें है और इसको हमारे स्क्रीन पर सेट कराना है, तो बीच में जो चेक मार्क का निशान है उसे हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारी स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आप इन्हें आराम से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद में मैं आपको इसकी खासियत दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में कहा कि ये ऑटोमेटिक चेंज होता है तो वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए हम वापस हमारी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये इसी के शॉर्टकट्स हैं। तो पहला तो है इसमें रैंडमाइज, दूसरा है पैटर्न और तीसरा है कलर। फर्स्ट वाला ऑप्शन पे चलते हैं, पैटर्न पर। तो पैटर्न जो है, ये जो आप मेरा वॉलपेपर देख रहे हैं इसको हम पैटर्न बोलते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखिए ये मेरा वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। अब जो दूसरा इसके पास में ऑप्शन है कलर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक मेरा कलर चेंज कर देगा, वॉलपेपर वही रहेगा सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाएगा। और तीसरा है रैंडमाइज, तो रैंडमाइज इसलिए है दोस्तों कि अगर आप रैंडमाइज पे क्लिक कर देंगे तो हर 10 मिनट हर 15 मिनट में जिस टाइप से भी आप जो है अपने इस ऐप के अंदर जाके टाइमिंग सेट करेंगे उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज होता जाएगा। तो अब देखिए ये मैंने रैंडमाइज कर दिया है, अब मैं इसका, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरह से अभी ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे दोस्तों। और अगर आप मैन्युअली चेंज करना चाहते हैं तो पैटर्न पर क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिक पैटर्न से भी चेंज हो जाएगा, आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर रैंडमाइज पे आपने क्लिक कर दिया दोस्तों तो हर 10 से 15 मिनट में आपका वॉलपेपर डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसके कलर चेंज होंगे। जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करेंगे तो आपको एक नया लुक दिखेगा, एक नया वॉलपेपर दिखेगा, चेक कीजिए। और इसमें इतने बेहतरीन वॉलपेपर्स वगैरह हैं कि मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 1 महीने से, मुझे इसने इतने सारे वॉलपेपर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे वॉलपेपर हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको चूज़ करना है तो। और अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक चेंज हो तो ऑटोमेटिक पे भी आप इसको कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक सेट हो गया है।
अब कितना प्यारा वॉलपेपर है, आप खुद भी देख सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसके कलर चेंज कर सकते हैं, तो हम कलर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसके कलर चेंज कर देगा, पैटर्न चेंज कर देगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ।